तो चलो शुरू करते हैं शुरू से। मेरा पेस था एयरपोर्ट के पास में और मुझे अब चाहिए थी वुड काफ़ी सारी। तो वहाँ पर जो वुड है ना यार, वहाँ से काफ़ी कम वुड मिलती है, तो मैं फार्म करने आ गया इस साइड पे। और यहाँ पर एक जंपर का बेस था भाई, मुझे पता ही नहीं था। और मेरी वुड फार्म करने की आवाज़ सुन के ना ये बंदा पहुँच गया मेरे पीछे। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? इसको पहले भी दो दफा तुम्हारा भाई मार चुका है। और इसकी ये जो उजियां शूजियां है ना सारी मेरे पास, ये सारी इसकी ही हैं। यानी कि इसको दो तीन दफा मैंने किल किया, लेकिन ये बार बार आए जा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि भाई पीछे निकलता हूँ, क्योंकि मेरी जो गन की हेल्थ है वो भी बहुत कम है और सिर्फ 18 MO बचा हुआ है मेरे पास और 9 MO है मिनी में। तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं निकलता हूँ बेस की तरफ, क्योंकि मेरे पास अब एमओ ही नहीं है और डुअल उजी से इसको किल करूंगा तो पता नहीं भाई क्या होगा। देन मैंने ये डिसाइड किया कि भाई पीछे निकलते हैं। तो चलो भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जाके हील शील लगाते हैं यहाँ पर। और भाई थोड़ा सा ना हम निकलते हैं बेस की तरफ, क्योंकि भाई अब हमारे पास एमओ ख़त्म हो गया है और शॉटगन और उजी से मारना इसको थोड़ा मुश्किल है। देन भाई यहाँ पर थोड़ा सा कवर लेता हूँ मैं और बैठ जाता हूँ यहाँ पर हील लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही हील लगा रहता हूँ, ये बंदा ग्लाइडर पर उड़ के आ जाता है मेरे पीछे और मुझे पता ही नहीं चलता। और जब तक मुझे पता चलता है ना भाई, तब तक ये शॉटगन की दो धर देता है मुझे। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। जैसे यहाँ पर मैं नॉक होता हूँ भाई, डाकू और विकास दोनों ऑनलाइन होते हैं और डाकू जल्दी से बोलता है कि भाई पॉपी की किसी ने गन मार दी। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई इस बंदे के पास मेरी वुड चली गई है काफ़ी सारी और चलो इस बंदे को रेड करते हैं। अब मैंने इसका बेस देख रखा है तो इसके बेस को हम आराम से रेड कर सकते हैं 13 हैंडमेड से। तो अगर हमारे 13 हैंडमेड चले जाते तो हमें लड़ रखनी पड़ता भाई, लेकिन इस बंदे का बेस उड़ाना ही उड़ाना है। तो अभी मैं यहाँ से अपने सीफर और हैंडमेड मेरी पहले से कैट में है वो उठाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई निकलते हैं और जाकर इसकी गांड फाड़ दूंगा, इसका पूरे का पूरा बेस उड़ा दूंगा। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चाबी कहाँ है? गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला सब? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब यहाँ पर पहुंच जाते हैं हम इसकी बेस पे और मैं विकास से कहता हूँ कि भाई तुम लोग यहाँ पे कवर दो और मैं इसकी छत पे लगाता हूँ बॉम्ब। तो जैसे इसकी रूफ टूटेगी तो तुम इसकी गांड में बजूका घुसा देना, यानी कि आरपीजी का फायर कर देना, इसको कवर करने का मौका मिले ही ना, क्योंकि इसकी सीलिंग एक है और साइड से इसने जो है वो स्टॉक वॉल लगाई हुई है, यानी कि आर्क वॉल जो होती है वो लगा रखी है इसने। तो अभी जो है वो हम इसकी गांड पे चिपकाएंगे यहाँ पर 13 हैंडमेड और भाई इसकी पूरी की पूरी सीलिंग उड़ा देंगे और भाई विकास चिपकाएगा इसकी गांड में बजूका। माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल।
सबका बदला लेगा तेरा अजर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मुझे अंडे वाला बर्गर। ठीक है चिल्लर पार्टी, बहुतों की मौज मस्ती। तो मिलते हैं भाई किसी न्यू वीडियो में न्यू फन के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।